हेलो एंड वी आर एट होम टाउन जो कि फ्यूचर ग्रुप का है, जिनका बिग बाज़ार भी एक स्टोर है, उनका अपना स्टोर है। यहाँ पे आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो छोटे हैं साइज़ में, और कुछ प्राइजेज हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको इंडिविजुअली भी बताने के लिए। तो एक्सप्लोर करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए, आप एक मैंगो येलो कलर का एक बहुत अच्छा पैरेट है जो कि स्टोर में अवेलेबल है। आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी। और ये पैरेट को रखने के साथ में के कुछ रूल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको रख रहे हैं तो आपके पीछे जो वॉल का कलर है वो लाइट शेड में हो, और या फिर एकदम कॉन्ट्रास्ट में हो इसके ऑपोजिट, ताकि ये येलो स्टैंड आउट हो। इसकी पोजीशन है या तो बेड के साइड टेबल में, या फिर आप इसको सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। येलो कलर को लगाने से पहले देख लें कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट येलो हो। जैसे आपने अभी देखा कि कुछ बुक्स येलो थे, कुछ पिलो कवर्स येलो थे, तो ये अच्छा दिखता है। दीज आर द फ्लावर्स जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, देखिए। और ये एक फ्लावर वेस है जो लगभग 700 रुपये कुछ का है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू अरेंज। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फ्लावर्स को अरेंज करें, फिलर्स एंड बेस कैसे बनाना है। ये देखिए, आप अगर पैरेट खरीद के लाए हैं तो आप उसको ऐसे सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। अब बारी आती है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बताने की जो छोटे हैं साइज़ में और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज टू कैंडल स्टैंड्स। ये कैंडल स्टैंड क्रिस्टल के हैं। अगर आपका घर बहुत छोटा है तो आप ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के कैंडल स्टैंड लें, क्योंकि ये स्पेस यानी कि आपके विजन को ब्लॉक नहीं करते, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका घर बड़ा दिखता है। अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो फिर आप सेरेमिक कलरफुल ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे घर के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको आप लिविंग रूम, ड्राॅइंग रूम कहीं भी रख सकते हैं। नीचे क्रिस्टल का एक बहुत खूबसूरत सा बेस दिया हुआ है। ये जो गोल्ड का आप सर्कल इसके ऊपर देख रहे हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता, काफ़ी अच्छा है ये, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब भी कोई आप क्रिस्टल या ग्लास के प्रोडक्ट खरीदें तो आप प्राइस टैग से पहले एक बार उसकी क्वालिटी चेक कर लें, क्योंकि ग्लास के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उसकी ग्लास की क्लियरेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। वेल, दीज आर द टू डिफरेंट टी लाइट कैंडल्स के लिए स्टैंड है, और ये जो इनका कोई बेस नहीं है, ये दो पीसेज हैं जिनके ऊपर बुद्धा प्रिंट है। जब आप इसके अंदर एक टी लाइट कैंडल आप लाइट करते हैं तो ये ग्लिटर करता है और ये बुद्धा का फेस विजिबल होगा। एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 700 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और ये आप ख़रीद सकते हैं। ये घर के कहीं भी रख सकते हैं आप इनको, बट इनको फ्लोर पे नहीं रखना है, ये थोड़े छोटे हैं साइज़ में। तो सेंटर टेबल, साइड टेबल, कंसोल, क्रॉकरी यूनिट आप उनके ऊपर रखें। और हाँ, याद रखिए, इनको बहुत ऊपर हाइट पे भी नहीं रखना है जहाँ पे दिखाई ना दे। एक ये कैंडल स्टैंड देखिए, 750 रुपीज़ के, ये सॉरी 1000 रुपीज़ का है ये। और ये कैंडल स्टैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ग्लास का पार्ट है वो अलग होता है, तो आप सफाई करते समय ख़ास ख्याल रखें, अदरवाइज़ ये पार्ट इसमें से निकल जाएगा और गिरने के चांसेस होते हैं। इसमें गोल्ड का कुछ कलर है ये, और ये इसमें रेड है। इसके अलावा इसमें एक ऑरेंज कलर भी अवेलेबल था जो कि बाहर डिस्प्ले पर नहीं है, बट स्टोर में हमें बताया कि ये ऑरेंज कलर में भी अवेलेबल है। कलर चूज़ करते समय इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर आप इसमें रेड ले रहे हैं तो आपके घर में कहीं ना कहीं रेड का कोई ना कुछ स्कीम होनी चाहिए। एंड दिस इज़ द मिसफिटिंग कैंडल। ये बहुत बड़ी कैंडल है इसके अंदर, और ब्लू कलर की है जो कि ठीक नहीं है। आप अपने कलर की वाइट कलर की कैंडल इसके अंदर रखें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। और आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इनको हो सके तो आप इस हाइट पर रखें जो लगभग 3 फुट के आसपास होती है। ये कैंडल है, इसका प्राइस आपको बता देते हैं। इसका बर्निंग टाइम होता है कैंडल का, ये 3 घंटे इसका बर्निंग टाइम है कैंडल का। हर कैंडल का अपना एक बर्निंग टाइम होता है और फ्रेग्रेंस होती है। जब कैंडल आप जलाते हैं तो वो खुशबू देते हैं। अगर आपके घर में गोल्ड का थीम है तो आप ये एक हिरन खरीद सकते हैं जो लगभग 1700 रुपये का है, और इसकी हाइट है लगभग 1.5 फीट के आसपास। ये भी बहुत अच्छा है क्वालिटी में, लाइट वेटेड है। लेट्स चेक आउट द प्राइस। अब प्राइस देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे कि ये क्या प्राइस दिख रहा है इसका। इसको भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ख़रीद सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ दी वन। इसमें बहुत शाइनिंग है। बेसिकली इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा देखिए टर्टल भी है, अभी आपको दिखाएंगे आगे, आप वो ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में देखिए, ये जो टर्टल है ये ले सकते हैं आप, या ये एलिफेंट है, ये उससे मैच नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का इसके ऊपर शिमर नहीं है, कोई चमक नहीं है, स्टोन वर्क नहीं है। ये जो एलिफेंट है आप ये दो ले सकते हैं। क्रिएटिवली यूज़ करना है तो दो एलिफेंट लें। दो ट्रे हैं जो सर्विंग के लिए हैं। ये भी छोटी छोटी टी लाइट कैंडल्स हैं। आप इनको ऑफलाइन देख लें, आई थिंक ये 250 रुपीज़ का पर पीस है।
और इनकी खासियत यह है कि ये स्प्रे पेंट नहीं है, इनके कलर्स जो हैं वो बहुत ड्यूरेबल हैं। टी लाइट कैंडल आप इनके अंदर जलाएं, किसी भी तरह की पार्टी हो तो आप अपनी कलर स्कीम के दो डिफरेंट कलर ले लें, तीन डिफरेंट कलर ले लें, पर प्रेफरेबली दो कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ और भी हैं जो हम फ्लावर वेस के बारे में बताएंगे कि और जनरली ऐसे बॉक्सेस के बारे में, ये बेसिकली कंटेनर की तरह लोग देखते हैं इनको, बट दीज आर नॉट कंटेनर्स। ये आपके घर में जैसे आपका कोई कॉर्नर खाली है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई स्पेस भरने के लिए कुछ मटेरियल नहीं है, वहाँ पे आप ये तीन कंटेनर, दो कंटेनर ऐसे रख सकते हैं और थोड़ा सा इनको हाइट पर रखें, लगभग 1.5-2 फुट के ऊपर हाइट पर रखें। फ्लोर पे ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाता है, इतना नीचे नहीं रखना है क्योंकि इनकी अपनी खुद की हाइट जो है वो लगभग 1-1.5 फुट है और इनको देखने के लिए आपको झुकना पड़ता है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो घरों में आमतौर पर हमने देखा है कि लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर रख देते हैं, उससे उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो आप उनको हाइट पर रखें। अब जैसे ये आप देख रहे हैं फ्लावर वेसेस, 1250 रुपये का एक ये है, इसके तीन डिफरेंट वेरियंट्स हैं, तीन डिफरेंट इसके साइजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास जो सेंटर टेबल है आपके रूम में और आपका रूम बहुत बड़ा है और सेंटर टेबल भी बहुत बड़ी है, तो आप ये दो या तीन पीसेज वहाँ पर रख दें। रिमेंबर, दीज आर नॉट फ्लावर वेसेस, ये फ्लावर पॉट्स नहीं हैं, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं रखने हैं। जनरली लोग मिस्टेक करते हैं कि इनको ऐसे तीन का सेट रख के उसमें फ़्लावर भरने की कोशिश करते हैं। हमेशा इनको दो या तीन में ही खरीदिए और इनके अंदर फ्लावर्स नहीं लगाने हैं, ये अपने आप में ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत पीसेस होते हैं। अगर आपके बजट में है तो आप दो खरीद लें, अदरवाइज़ थ्री इज़ एक्चुअली इज़ दी बेस्ट। इसका लगभग प्राइस है 1250 रुपये, यू कैन सी द प्राइस नाउ। ओके, दिस इज़ फॉर 1190 रुपीज़ और ये बहुत अच्छा चॉइस है, लाइट वेटेड है, अनब्रेकेबल भी है। सर्विंग के लिए एक ये बहुत अच्छा ट्रे है जिसमें आप ड्राई चीज़ें सर्व करें। याद रखें, इसको कभी भी किचन में स्क्रैम्बल किसी भी तरह के स्क्रबर से इसको साफ़ नहीं करना है क्योंकि इसमें आप सिर्फ ड्राइंग चीज़ें ही सर्व करते हैं, ड्राई चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या नमकीन बिस्किट्स वगैरह। और ये जो आप दो वेसेस देख रहे हैं, ये भी एक तरह का फ्लावर वास है, इनको भी आप फ्लावर के बिना रखना है इनको, और पैर में अच्छा लगता है, इनको फ्लोर पे नहीं रखना है। इसके लिए भी आप एक हाइट की टेबल रखें, टेबल के ऊपर इसको रखें, पैर में रखें इसको, ये भी एक तरह का फ्लावर वेस है। खुद इसमें फ्लावर प्रिंट का बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इसके लिए इसके अंदर भी फ्लावर नहीं रखने हैं, ये ऐसे ही रखे जाते हैं। आप ख़रीद सकते हैं इसको, ये भी लगभग 1200-1400 रुपये के प्राइस में मिल जाता है। और अब जनरली हम लोग जब भी स्टोर में जाते हैं तो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, तो होम टाउन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। ये जैसे आप बुद्धा देख रहे हैं, ये भी डिस्काउंटेड है, इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत लाइट वेटेड है, दिखने में मेटैलिक है पर ये है नहीं मेटैलिक, ये बेसिकली मोल्ड से बना हुआ बुद्धा है। अगर आप दो टी लाइट कैंडल ले रहे हैं जो हमने पहले दिखाई थी, वो बुद्धा के आगे रखें, एंट्रेंस पे बुद्धा बहुत अच्छा दिखता है। और ये ब्लैक है, ब्लैक बुद्धा है इन दिस लंबर पोजीशन, इनफैक्ट हाफ स्लीपिंग पोजीशन में, और इनको वेस्टर्न हाउस में नहीं रखना है। अगर आपका घर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है तो बुद्धा इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, छोटे फ्लैट्स में बहुत अच्छा दिखता है। एंट्रेंस पे बुद्धा की बड़ी इस बिलीव इट इज़ गुड, और माना जाता है कि अगर आप एंट्रेंस पे बुद्धा रखें तो अच्छा होता है, और ये बेसिकली इज़ अ साइन ऑफ पीस, और बुद्धा घर में रखने से थोड़ी सी की शांति रहती है ऐसा माना जाता है। बट यू कैन चूज़ गणपति, कृष्णा, बुद्धा इन द रेंज ऑफ 1200-2000 रुपीज़। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। हम लोग अभी आगे मूव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये जो डिस्काउंटेड हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन 1490 रुपीज़ वाला बुद्धा, यू गेट इट फॉर 1192 रुपीज़। ब्लैक कलर का मेडिटेशन फॉर्म में बुद्धा है विच इज़ अराउंड 1.5 फीट टॉल, आप ये ले सकते हैं, ये भी डिस्काउंट पे है, आप इनको भी ख़रीद सकते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस पीसेस। इनको मेंटेन करने के लिए आपको बता दें कि इनको कभी भी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना है क्योंकि इनकी शाइन और शिमर चली जाती है। इनको हमेशा ड्राई क्लोथ से यानी कि सूखे कपड़े से एक बार डस्टिंग करनी है इनकी, तो ये जो इनकी लाइफ है वो मेंटेन रहेगी। और आपका अगर सरफेस ब्लैक है और आप चाहते हैं कि वो आप वहाँ एक बुद्धा रखना चाहें, अगर आपके पास जो आपका वॉल का कलर है अगर डार्क है तो लाइट बुद्धा लें, और अगर वो लाइट है तो डार्क बुद्धा लें ताकि वो स्टैंड आउट हो। ये भी एक डिस्काउंटेड बुद्धा है जिसमें आपको लगभग 700-600-700 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है।
वेल नाउ दीज आर द बुद्धा हेड्स 2290 रुपीज़ का है जो 1800 रुपये में मिल जाता है। ये जो बुद्धा हेड है ये भी मेडिटेशन फॉर्म में है, बहुत ही खूबसूरत पीसेज हैं ये, सारे के सारे अच्छे होते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कुछ स्पेस खाली जा रहा है आपका टेबल कंसोल या क्रॉकरी यूनिट, तो आप उनको वहाँ रखें। इनको सेंटर टेबल पे नहीं रखना है क्योंकि ये साइज़ में छोटे हैं और इनको आप जब एरियल पोजीशन यानी कि खड़े होकर ऊपर से देखेंगे तो इनकी ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इनको हमेशा आई लेवल पर रखें या उससे थोड़ा नीचे, यानी कि लगभग 2.5-3 फीट से मिनिमम हाइट पर इनको रखना है क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं हैं साइज़ में। तो आज हमने होम टाउन के कुछ प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया, आपको बताया उसके बारे में। और भी कोई क्वेरी हो, अपने सजेशन हो, आपके आइडियाज़ हों, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें, हम भी आपसे सीखेंगे कुछ और आगे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेट्स मेक अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, एक दूसरे से शेयर करें। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।